मंदसौर नगर पालिका चुनाव में भाजपा ने लहराए जीत का परचम। 40 वार्डों में भाजपा को 29 सीट पर जीत मिली है और वहीं कांग्रेस पार्टी को 8 सीट पर जीत मिली है। दूसरी ओर 3 सीट पर निर्दलीय प्रत्याशियों ने बाजी मारी। उल्लेखनीय कि मंदसौर नगर पालिका चुनाव में भाजपा ने अपनी जीत का परचम लहराया। गौरतलब है कि नगर के 40 वार्डों में पार्षद पद के भाजपा से अधिकृत प्रत्याशियों ने 29 सीट पर भाजपा को जीत हासिल की, साथ ही 8 सीट पर कांग्रेस पार्टी की जीत हुई है, तो वहीं 3 सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशियों ने बाजी मारी। बता दें कि मंदसौर पीजी कॉलेज परिसर में प्रातः 9 बजे ईवीएम मशीन द्वारा मतगणना प्रारंभ की गई, जहां पर जिला कलेक्टर गौतम सिंह, पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया, बीआरई सिंह एसडीएम, तहसीलदार मुकेश सोनी की उपस्थिति में मतगणना संपन्न की गई। साथ ही विजेताओं को जिला कलेक्टर गौतम सिंह ने प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। साथ ही भाजपा समर्थकों को भारी मतों से विजय होने पर कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों को पराजय का सामना करना पड़ा, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष नवकृष्ण पाटिल ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा धन बल, जन बल और शराब के माध्यम से चुनाव जीत गई है, जो जनता मंदसौर के विकास और ध्यान देना चाहिए। इस आरोप का खंडन करते हुए भाजपा जिला अध्यक्ष नानालाल अटोलिया ने कहा कि भाजपा की विश्वास और जीत पर कांग्रेस पार्टी बौखला गई है, जो इस प्रकार की निराधार आरोप लगा रही है। कांग्रेस पार्टी को जनता के बीच जाकर सेवा करनी चाहिए, जिसके बाद जीत की कल्पना करना चाहिए। कांग्रेस को पराजय का सामना करना पड़ा, क्या कुछ कमियां रही है? सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से सभी विजयी उम्मीदवारों को बधाई देता हूं और मंदसौर के मतदाता जिन्होंने कांग्रेस के प्रति अपना विश्वास व्यक्त किया उनको भी धन्यवाद देता हूं। और इस चुनाव में ये सीधा चुनाव नहीं था, पार्षद के द्वारा था, तो सारा फोकस भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों का पार्षदों पर ही रहा। लेकिन जिस दिन से धन बल, जन बल और शराब का उपयोग हुआ और उदयपुर का जो सांप्रदायिकरण किया गला काटने को लेके और जो व्हाट्सएप और फेसबुक पर उसका प्रयोग हुआ, घर जाकर जाके कहा कि अगर ये भारतीय जनता पार्टी नहीं आए तो ऐसे ही हिंदुओं के गले कटते रहेंगे, इस तरह का सारा प्रकोप हुआ, तो मैं सोचता हूँ ये भी एक बड़ा कारण था। और मंदसौर की जनता को लगता है कि शिवना बिल्कुल शुद्ध है, हमारे मंडी से लेकर यहाँ तक ये जो सड़क है बढ़िया है, झटके नहीं खाना पड़ते हैं, नालियाँ ठीक है, गटरों में पानी भरता नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक है, अच्छा लगता है। उन्होंने वोट दिया, उनके जनादेश को हम स्वीकार करते हैं और कोशिश करेंगे अगले 5 साल तक हम जनता के बीच में रहें और उनके लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। देखिए, यह जनता के आशीर्वाद से, जनता के सहयोग से जो आज परिणाम मंदसौर नगरपालिका का आया है, यह इस बात को बताता है कि मंदसौर की जनता हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों के विकास कार्य को लेकर जो प्रयास किए हैं, जो विकास किया है, उसको स्वीकार किया है और जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी में ही है। देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, प्रदेश में शिवराज जी के नेतृत्व में और मंदसौर संसदीय क्षेत्र में माननीय सुधीर गुप्ता जी के नेतृत्व में, माननीय विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया के नेतृत्व में इस क्षेत्र में जो विकास हुआ है उसको जनता ने स्वीकार किया है और जनता ने साथ दिया। इसका परिणाम ये है कि आज जनता ने मंदसौर के इतिहास में, नगरपालिका के चुनाव के इतिहास में आज इतने पार्षद जीत के आना, यह बहुत बड़ा आशीर्वाद जनता ने दिया है। आपके माध्यम से मैं मंदसौर की जनता को भारतीय जनता पार्टी की ओर से हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं और भारतीय जनता पार्टी का संगठन और कार्यकर्ता जिस प्रकार से मेहनत की पराकाष्ठा करते हुए मेहनत करिए, उनको भी कहीं ना कहीं मैं आपके माध्यम से धन्यवाद देता हूं। लेकिन कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि शराब और पैसे बांटने का, देखिए कांग्रेस का पतन हो चुका है और हमेशा से जहाँ उनके अनुकूल परिणाम आ जाए वहाँ ईवीएम ठीक होता है और जहाँ उनके अनुकूल परिणाम नहीं आए वो जीत का ठीकरा फोड़ दें किसी भी के भी माथे, तो उनका हार स्वीकार करना चाहिए और जनता के बीच पुनः सेवा करते हुए उनको सेवा के रूप में जाना चाहिए। लेकिन वो कहीं ना कहीं इस हार से अब अनर्गल बातें कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं स्वच्छ राजनीति में नहीं करना चाहिए। जो है, जनता ने जो फैसला किया उसको स्वीकार करना चाहिए।
और अंत में जनता के लिए यही संदेश देना चाहूँगी कि हमारे वार्ड क्रमांक 3 के जो हमारे मतदाता है, हमारे आशीर्वाद दाता है, उन्होंने बहुत मन से आशीर्वाद दिया और हमारे जो कार्यकर्ता थे बीजेपी के, उन्होंने भी बहुत मेहनत की। प्राण प्राण से मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद। इस जीत का सारा श्रेय मैं अपने कार्यकर्ता, अपनी भारतीय जनता पार्टी और हमारे मतदाताओं को देना चाहती हूँ। मैं सबसे पहले तो धन्यवाद करती हूँ मेरी माता रानी, मेरे बालाजी महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे वार्ड वासियों का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पार्टी से टिकट दिया गया था, फिर कार्ड दिया गया था, उसके लिए मैं बिल्कुल हताश हो गई थी, पर मेरे वार्ड वासियों ने मेरा मतलब हौसला बढ़ाया कि नहीं तुम लड़ो, निर्दलीय लड़ो, और उनके कहने पर मैं निर्दलीय लड़ी। उनका आशीर्वाद आज मेरे पे बना रहा और उनके आशीर्वाद से आज मैं जीत गई हूँ। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, और आगे भी उनका आशीर्वाद इसी तरह मेरे पे बना रहे और मैं उनके हर काम करूँगी और अपने वार्ड को विकास की ओर लेके जाऊँगी। और जितने भी आशीर्वाददाता थे मेरे और मतदाता थे, उन्होंने मुझ पर विश्वास जताया और भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाई है, उसके लिए मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करती हूँ। और उनके विश्वास पर जरूर मैं खरा उतरूँगी और भारतीय जनता पार्टी की परिषद बनती है तो हम सब मिलकर काम करेंगे और जनता के काम में और आगे विकास के काम में और आगे बढ़ाएंगे। वार्ड में कई प्रकार की समस्याएं, हाँ बिल्कुल, विकास कार्य लेकर देखिए हमारे वार्ड 39 में समस्याएं हैं और विकास भी हुए हैं, लेकिन कुछ समस्याएं भी हैं जो मेन जरूरी है, जैसे सीवर लाइन की समस्या है, नालियों की प्रॉब्लम है, और कहीं कहीं जैसे गांधीनगर में है जो बगीचे डेवलपमेंट करना है, और सड़क का मुद्दा है कि जो सीसी रोड करना है। तो निश्चित ही मैं पार्षद बनी हूँ तो निश्चित ही जनता के विश्वास पर खरा उतरूँगी और सब काम करूँगी जनता का, भारतीय पाटीदार।